हम लोग परावर्तन पर डिस्कस कर रहे थे और आपको बता रहे थे अब इमेजेस के बारे में बताएंगे कि इमेजेस कैसे बनती हैं, इमेजेस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉनकेव की बात करते हैं, कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर की बात करेंगे, उत्तल दर्पण की बात करेंगे। पहली पोजीशन इसमें ये है कंडीशन कि ये मान लीजिए आपका कोई अवतल दर्पण हो गया, ये पी हो गया और ये सी हो गया, ये एफ हो गया, फोकस हो गया। और इमेज कहाँ रखी है? इन्फिनाइट पे, ठीक है, आपकी इमेज इन्फिनाइट पे रखी है। जो इन्फिनाइट पे होगी तो रेज कैसे आएंगे? पैरेलल आएंगे। कैसे आएंगे? पैरेलल आएंगे। पैरेलल आने वाली रेज वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर जाएंगे? आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर जाएंगे। तो आपका इमेज कहाँ बन गया? जहाँ ये इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो आपकी इमेज हो जाएगी, ठीक है। और आपने कहाँ से दिखाया है इसको? इन्फिनाइट से दिखाया है। तो आपको कहाँ बनेगा? फोकस पर, एट द फोकस, ठीक है, एट द फोकस, यानी फोकस पर बनेगा। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ बनेगा, ठीक है, कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा, ठीक है, कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? नेचर में कैसा होगा? अगर नेचर की बात करें यानी प्रकृति कैसी होगी, ठीक, प्रकृति की बात करें तो कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, यानी वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा। और अगर साइज की बात करें यानी आकार की, ठीक है, आकार की बात करें तो डिमिनाइज्ड, यानी बिंदु आकार का, बहुत छोटा बिंदु आकार, ठीक। कब? जब वस्तु कहाँ रखी होगी? इन्फिनाइट से। पैरेलल आने वाली रेज, मैंने फोकस से, सभी पैरेलल ही आएंगे इसमें, ठीक है। तो कहाँ बनेगा? एट द फोकस पर, फोकस पर बनेगा। रियल एंड इन्वर्टेड यानी वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, ठीक है। प्रकृति में कैसा होगा? डिमिनाइज्ड होगा, ठीक है, कैसा? बिंदु आकार का होगा। ये पहला हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन पर डिस्कस करते हैं। दूसरी कंडीशन ये है, ये पोल हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, और इमेज को आपने कहाँ रख दिया? इमेज को आपने रख दिया सी के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो जो रेज पैरेलल जाएगी, जो रेज पैरेलल जाएगी वो कहाँ से? फोकस से होकर। और जो बताया था फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, वो पैरेलल हो जाएगी। वो कहाँ से हो जाएगी? वो पैरेलल हो जाएगी। तो आप इमेज को कहाँ देख रहे बन रही? इमेज कहाँ बनी है? अगर आपसे पूछा जाए कहाँ इमेज बन रही है, तो एफ, सी एंड एफ के बीच में बन रही है। एफ एंड से, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। कैसे बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड, पांचों पांच कंडीशन में रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए साइज में कैसे बनेगी, तो साइज में स्मॉल, ठीक है, कंपेयर देन जो है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कैसे बनेगी? ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। अगर आपसे साइज की बात करें तो कैसे लिख देंगे? स्मॉल, छोटा। तो यानी कंडीशन अगर आपसे कहा जाए कि यदि वस्तु सी के पीछे रखी है, बिहाइंड द सी, बिहाइंड द सी कहा जाए, तो आप क्या करेंगे? जो रेस पैरेलल जा रही है उसे फोकस से होकर पास कर देंगे, और जो फोकस से होकर जा रही है उसे पैरेलल कर देंगे। जहां दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां इमेज दिखा देंगे। और कहां बन रही है? सी और एफ के बीच में बन रही है, तो कह देंगे सी और एफ के बीच में बनेगी। और कैसी बनेगी? वास्तविक एवं उल्टी बनेगी, और आकार में छोटी होगी, ठीक है। अगर हम तीसरे साइज की बात करें, तीसरे इमेज की बात करें, अगर हम अब कहां रख देते हैं? सी पर रख देते हैं, तीसरे की बात करते हैं, ये पी हो गया,
ये आपका F हो गया, ये आपका C हो गया, और इमेज कहाँ रख दी आपने, C पर ही रख दी, C पर रख दी, तो जो रेज पैरेलल जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी, और जो फोकस से होकर जाएगी वो यहाँ पास हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कहाँ बन रही है, कहाँ आया, यानी जो रेज पैरेलल जा रही है उसे आपने कहाँ से पास कराया, फोकस से। और आपको क्या बताया था, जो फोकस से होकर जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। आप देख रहे हैं कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, सी पर ही इंटरसेक्ट कर रही है। तो एट द सी यानी वक्रता केंद्र पर जाकर बनेगा। साइज में आपका कैसा होगा, ये तो हो गया आपका कहाँ। अगर आपसे पूछा जाए कि नेचर, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर आपसे साइज में पूछा जाए तो साइज में कैसा, इक्वल बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बराबर बनेगा। जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी। ये कब, जब एट द सी जब आपका ऑब्जेक्ट जो है सी पर रखा हो तब। अब सी और एफ के बीच में रख देते हैं, अब क्या करते हैं, पी हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, यहाँ रख दिया आपने, ठीक है, यहाँ रख दिया, तो जो रेज पैरेलल जाएगी वो यहाँ से होकर जाएगी, और जिसको आपने ऐसे दिखा दिया इस तरह से, तो वो ये कट जाएगी। कहाँ बना, बिहाइंड द सी। ये आपका क्या है, अब आपने क्या बताया कि जो रेज पैरेलल जा रही है, जो पैरेलल जा रही है उसको फोकस से होकर, जो फोकस से होकर जा रही है उसको पैरेलल कर दिया, दो ही रेज से काम कर जाएगा। अगर इसको ऐसे बनाना चाहते तब भी ऐसे बन जाता कि उसको ऐसे करके दिखा देते, ठीक है। तो कैसे बन जाएगा, बिहाइंड द सी, कहाँ बनेगा, बिहाइंड द सी, सी के पीछे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। नेचर में कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज में कैसा, साइज में लार्ज, बड़ा बनेगा, कंपेयर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कैसा बन रहा है, दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा दिखाई दे रहा है। ये हो गई इसकी फोर्थ कंडीशन। अगर हम फिफ्थ कंडीशन की बात करें, अब इमेज को कहाँ रख देते हैं, अब इमेज को एट द फोकस रख देते हैं, फोकस पर रख देते हैं, अब फोकस पे रख दिया। जो पैरेलल जाएगी वो तो फोकस से, अब फोकस से होकर तो जा नहीं सकती, ठीक, अब इसको कहां से होकर दिखा देंगे, इस तरह से। और बताया था जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये रेज पैरेलल आ रही है ये, और ये कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है। तो इमेज कहां पर जाकर बनेगी, इन्फिनिटी पर जाकर बनेगी, अनंत पर जाकर बनेगी। कहां जाकर बनेगी, अनंत पर जाकर बनेगी। कैसी बनेगी, वेरी लार्ज, बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है, और साइज में वेरी लार्ज हो गया, और नेचर में कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। कब, जब एट द फोकस, फोकस पर रखी होगी। जब इमेज को आप फोकस पर रख देंगे तो क्या होगा, कहां बनेगी, इन्फिनाइट पर जाकर, क्योंकि पैरेलल लाइन है, तो ऐसा माना जाता है कि कहीं अनंत पर जाकर मिल जाएंगे, ठीक है। तो कैसा बनेगा, इन्फिनाइट पर रख देंगे तो जब फोकस पर रख देंगे तो इन्फिनाइट पर इमेज बनेगी, और जब इन्फिनाइट पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी, ठीक। अब इसका एक लास्ट पॉइंट रह गया है, जब आप पोल और फोकस के बीच में रख देते हैं, यहां रख दिया, अब कैसे बनेगी, फोकस होकर तो पास नहीं कर सकते, तो इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा देते हैं, तो आप देखेंगे बिहाइंड द मिरर। आप पूछे कि इमेज कहां बनेगी, तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनेगी। और कैसी, अगर आपसे पूछा जाए नेचर में कैसी, तो नेचर में अब रियल एंड इन्वर्टेड नहीं है, इरेक्ट हो गई है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी और आभासी, सीधी और
आभासी बनेगी, ठीक है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रही, बिहाइंड द मिरर कैसे इमेज बनेगी, ठीक है, तो कैसे बनेगी, सीधी और आभासी बनेगी, सीधी व आभासी, जिसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज बनेगी, साइज में कैसे बनेगी, साइज में बड़ी बनेगी, लार्ज बनेगी कंपेयर देन ऑब्जेक्ट, और क्या बच गया, कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। अगर आपके अवतल दर्पण की कंडीशंस पूछी जाए तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से इनको बना सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अलग इमेजेस की बात करेंगे। थैंक यू।